जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है दोस्तों। गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज हजार गुना होगा धन में वृद्धि। इसके बिना तुलसी का पौधा अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना दोस्तों। उससे पहले हम गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज गोवर्धन पूजन किया जाएगा। हर वर्ष यह पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन के शुभ समय के बारे में। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दृक् पंचांग के अनुसार शुभ गोवर्धन पूजा प्रातः काल मुहूर्त 14 नवंबर को सुबह 6:43 से 8:52 के बीच तक रहेगा बजे है। ऐसे में गोवर्धन पूजा के लिए 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गोवर्धन के दिन तुलसी के पौधे में क्या चीज बांधने से धन में हजार गुना वृद्धि होती है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सदा प्राप्त हो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की थी तुलसी की पूजा में बताया था यह रहस्य। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको माँ तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी के घर में रखने के साथ ही गोवर्धन पूजा के दिन उसके नीचे एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। तुलसी को यह एक चीज संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान पर ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि के अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले लोग भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना ही चाहिए। अगर आप घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं लेकिन उनसे गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि वह देवी विष्णु पत्नी है।
उन्हें हम अपनी माता मानते, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इसे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास पड़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंध होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह है और शनि है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते, ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी अमावस्या और गोवर्धन पूजा का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी या गोवर्धन पूजा के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे पर बांध दें। इससे आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो पुरानी चुनरी को एकादशी या गोवर्धन पूजा के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी आवश्यक करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी शुभ फल प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखनी चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उसी स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा का प्रयोग से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे की पत्तियां नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान के अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी कभी उपयोग नहीं करनी चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाते हैं और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी भी दुर्घटना का संकेत होता है। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसे नित्य जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालनी चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी मां वास नहीं करती। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैर में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं दें। तुलसी का जल देते समय ध्यान रहे कि जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो ये पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, ऐसे में तुलसी मां सूख जाती है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधे में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति नहीं हो उनके स्थान पर कांटे निकले तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी न रखें, बल्कि मरुस्थली पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधे के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रख लेते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास न रखें या तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर मां लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, आपको गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के पौधे में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम के अल्प मात्रा में स्वयं भी होता है, इसलिए अगर आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं भगवान विष्णु के साथ आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है बेघर तीर्थंकर तीर्थ करने के समान श्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर धनतेरस के दिन तुलसी के पास रख कर इसकी पूजा रोज की जाती है तो व्यक्ति को धन संबंधित कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। वो मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता का स्वास्तिक का प्रतीक होता है। इसीलिए दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन तुलसी के नीचे शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उनके नित्य पूजा करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माँ का अपमान भूल से भी न करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में ये चीजें अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर जरूर आएगी। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। इसी तरह के और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मां अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी।
अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।